सिरमौर जिला में नाहन के समीप जुड्डा का जोहड़ केंद्रीय नवोदय विद्यालय में 3 दिवसीय क्षेत्रीय योग प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें पंजाब हरियाणा समेत हिमाचल से नवोदय विद्यालयों से बच्चों ने भाग लिया। केंद्रीय नवोदय संभाग चंडीगढ़ के सौजन्य से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। यहां से चयनित टीमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेगी। समापन समारोह की अध्यक्षता सांसद सुरेश कश्यप ने की। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि नवोदय स्कूलों की स्थापना निर्धन बच्चों को समाज में अच्छी शिक्षक से प्रतियोगी बनाना था। आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी उद्देश्य को लेकर बनाई गई, ताकि सभी बच्चों को समुचित विकास हो सके। सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने 3 वर्ष पूरे किए और यह नीति छात्रों को प्रैक्टिकल शिक्षा से शिक्षित बना रही है। बच्चों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा पीएम योजना से स्कूलों को ग्रीन स्कूल बनाने, नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी और स्कूलों के फंड अलग से इस कार्य के लिए उपलब्ध होंगे। नाहन का नवोदय स्कूल भी इसमें चयनित हुआ, जिससे क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिलेगा। इस समारोह में योग पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी पेश किया गया। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट है। आज उसके 3 वर्ष पूरे हुए हैं। आज ही के दिन 2020 में नई शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी, और उसके माध्यम से जिस प्रकार से प्रयास किया गया रहा कि व्यवहारिक शिक्षा बच्चों को दी जा सके, उनके रुचि के हिसाब से बच्चों को शिक्षा मिल सके, साथ ही साथ जिस प्रकार से बच्चे जो है आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय के द्वारा भी ये प्रयास है कि जो प्रतिभाएं हैं वो निखर कर आएँ और विभिन्न क्षेत्रों में अपना जो है लोहा मनवाएं, और मैं समझता हूं कि उसी कड़ी में जो है आज का एक कार्यक्रम भी है, जिसमें पीएम श्री योजना इस देश में लागू करके बच्चों को जो हो जहां आधुनिक शिक्षा मिल सके, साथ ही साथ ग्रीन एजुकेशन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जिस प्रकार से आज के समय में हम देखते हैं कि ग्रीन एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती की हम बात करें, या जल संरक्षण की हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण की हम बात करें, उसके तहत जो है पीएम श्री योजना के तहत बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और हमें इस बात की खुशी है कि नाहन का नवोदय विद्यालय भी पीएम श्री के तहत जो है लाया गया है। लगभग 27,000 करोड़ रुपया पूरे देश भर में उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ हमारे बच्चे नवोदय के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके जो है देश और दुनिया में इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है।